उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी और आगामी दुर्गा पूजा के त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क दृष्टि बनाए रखने की शुक्रवार को हिदायत दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल इस तरह से लगाए जाने चाहिए जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा ना हो। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शुक्रवार को बलरामपुर जिले के दौरे पर थे। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 26 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारी और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्रि मेले में व्यापक साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे। गणेश चतुर्थी और आगामी दुर्गा पूजा त्योहारों की दृष्टिगत सतर्क दृष्टि बनाए रखी जाए। पूजा पंडाल इस तरह से लगाए जाने चाहिए जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा ना हो। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में बाढ़ और सूखा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ पर सतत निगरानी बनाए रखे, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखा जाए, नावों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं के साथ साथ सर्पदंश और एंटी रैबिस इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए हेल्थ एटीएम लगाए जाने के भी निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीते कई दिनों से हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे जिले में समीक्षा बैठक भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।